द जोवियल पेडिग्री और आज है गणेश चतुर्थी। तो हम लोग जा रहे हैं चाचा के साथ और पीछे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वेयर आर यू कांचा चीना शो योर फेस। तो हम लोग जा रहे हैं गणेश जी लेने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कैसे गणेश जी लेते हैं और हम उनको आज कैसे स्थापित करते हैं घर पे। और गणपति बप्पा मोरया। और यहाँ पे मैं गणेश जी ले रही हूँ अपने घर के लिए और वहां पर विनायका दीदी और वाणी दीदी ले रहे होंगे गणेश जी अपने घर के लिए। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी आर गोइंग टू गणेश जी लेने जा रहे हो। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज से 11 दिन बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनने वाले हैं। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं गणेश जी को लेने के लिए। वैसे अनीशा उनीशा भी गई हैं गणेश जी को लेने के लिए। हमारे मास्क नहीं लिया ना। जा रहे हैं गणेश जी को लेने के लिए और बहुत एक्साइटेड हम। एक्साइटेड है तू ये बता। जिस दिन गणेश जी आते हैं तो बहुत हो जाता है। 11 दिन बहुत वैसे चले जाते हैं अच्छे अच्छे। ऐसा लगता है कोई फंक्शन चल रहा है घर में। खाने को भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, टेस्टी टेस्टी। और काफी लोग आते हैं। हाँ काफी सारे लोग आते हैं, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स। हमारी तो फैमिली भी इतनी बड़ी है, सब आते हैं। तो दिखाएंगे वो अपनी पूरी गणेश जी वाली जर्नी। और ये वाले जो व्लॉग्स होंगे गणेश जी स्पेशल व्लॉग्स, ये डेली व्लॉग्स जाएंगे। डेली 11 दिन तक नो गैप डेली व्लॉग। हम सोच रहे हैं ये वाले ले लेते हैं। वाणी जी को पसंद नहीं आ रहा बता। इस बार कम नहीं है लग रहा है तेरे को, है तो उतने ही। ये वाले बहुत सुंदर है। लोग यहाँ पर शॉप पर आए हैं, इसमें से कौन से पसंद आते हैं। हैं तो बहुत सुंदर सुंदर। दिस शॉप क्लेम्स टू हैव नो POP, नो बंगाली मूर्ति, ओनली इको फ्रेंडली। और कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, बट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। लेट मी शो यू दिस वन। ये तो बहुत यूनिक है, विद ह्यूमन फिगर एंड देन द एलिफेंट। और वो वाले देखिए गणेश जी कितने सुंदर हैं। सो ऑल ऑफ इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट दिस वन इज़ फॉर 8,000। तो मतलब जिसका इतना अच्छा बजट है, जो मतलब इतने अच्छे बजट के साथ हैं, सो दे कैन डेफिनेटली परचेज देम। सेम शॉप हम लोगों ने ये वाली मूर्ति अपने लिए फाइनल करी है और ये बिल्कुल 100% इको फ्रेंडली है। इन अंकल को बहुत बहुत थैंक यू। इनको भी और इन अंकल को भी बहुत बहुत थैंक यू। सो इट इज अस एंड गणेश जी इन द व्लॉग। भाई साहब चाचा के पसीने निकल गए, ये इतनी हैवी मूर्ति है। भाई साहब बहुत ज्यादा हैवी मूर्ति थी ये। और अभी ये मेरे लैप पे है और ऐसा ना कचुम्बर सा बन गया है। गणपति बप्पा मोरया। अब हम इनको जल्दी से जाकर स्थापित करेंगे। यस श्रेष्ठ। तो हमने फाइनली गणेश जी ले लिए हैं और जैसे मतलब सारे गणेश जी बहुत सुंदर सुंदर थे, तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा था कौन से लें। मतलब सारे इतने सुंदर थे और जब अपने घर में जब गणेश जी आ जाते ना, उनसे अलग ही अटैचमेंट हो जाता, तो वो तो लगते ही सुंदर है। इस बार वैसे भी यूनिक ही है, उनसे हमने काफी यूनिक ही है। हर बार हम थोड़े कलरफुल से लेते हैं, अब हम दिखाएंगे हमें कैसे घर पे जाके। और अभी बस थोड़ा पूजा का सामान लेंगे हम लोग और फिर निकल जाएंगे घर के। आई एक्साइटेड। यस वेरी एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड। आई एक्साइटेड कहाँ गई। यस सबल से। हाउ मच। वेरी वेरी इसका ना ओवर एक्ट। अच्छा मौसम हो रहा था, धूप निकल आई, मतलब मौसम भी खेल रहा है हमारे साथ वेदर। ये ऑर्डर किया था रचित ने क्रिस्टल के लिए स्पेशली, क्योंकि क्रिस्टल को जब भी गाड़ी से लेके जाते हैं तो वो आगे कूद के आ जाती है, तो
को ड्राइविंग करने का बड़ा ही शौक आता है तो वो चलाने नहीं देते। लगा के दिखाएंगे किसी दिन। हाँ अभी तो ये ऐसे रखा हुआ है, अमेज़न से मंगाया था अमेज़न, तो सही रहता है वरना बड़ी तकलीफ हो जाती थी, ये ड्राइव ही नहीं कर पाता था, आगे आ जाती थी। वेलकम श्री गणेश भगवान, हमारे घर आओ, कर संकट हरो सबके। चलो जी आओ। मोरिया मोरिया। बस ऑल सेट फॉर द आरती, गणेश जी की पूरा पूजा पूजा हो गई। ब्रांडेड अगरबत्ती का प्रमोशन धोनी जी कर रहे हैं। जर्नी प्रिपरेशन चल रही है ऑन द वे, बहुत जल्दी हम आपको दर्शन कराएंगे गणेश जी के, कि हम कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे अब हम सत्या बना रहे हैं जो कि गणेश जी का प्रतीक होता है, स्वास्तिक बना रहे हैं। हर साल करता है फिर भी तो याद नहीं, पता नहीं है कब क्या होता है। बता पड़ता है राखी बांधते टाइम, राखी पहले बांधते हैं फिर तो हम दौज में कंफ्यूज हो जाते हैं। लाओ भाई लाओ माचिस लाओ। तू तो लाइटर यूज करती है। लाइटर दियो भाई, लाइटर दियो। मोदक है, पता नहीं मोदक का मटेरियल यही होता है या नहीं। सेम होता है, यही मटेरियल होता है, मतलब मुझे लगता है किसी और चीज से बनते हैं मोदक। जलाना तो आता नहीं है तुझे। सील गई है। देखा मैं एक बार में जलाऊंगा, एक बार में नहीं जली। अरे बेटा बहुत आदत है तुम्हें माचिस जलाने की। जलाता है वो, बहुत जलाता हूँ बेटा। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। जला मैं अगरबत्ती मुझे तो भी। वो उसके पास तो आएंगे। गणपति बप्पा। गुड इवनिंग। सुबह की आरती कंप्लीट हो गई है, शाम के लिए सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं आरती के लिए। सारे मतलब ऐसे धीरे धीरे अभी घर वाले तो आ चुके हैं। मैं ऑनेस्ट ब्लॉगर, मैं भी ऑनेस्ट हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। तो आज के जो भोग में जो प्रसाद बनाया है मम्मी ने वो दिखा देते हैं। ये है आज गणेश जी का भोग, क्योंकि आज मानसून मतलब मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वाला था, इसलिए पकौड़े बन गए विद चटनी। खुश हो गए गणेश जी भी बिल्कुल पकौड़े देख के। सो वी विल एंजॉय आर प्रसाद एंड खाके तो पता कैसा है। और बनाए खाओ, मैं तुम लोग कोई खाया नहीं है। येरा ये हाथ में, ये मेरे हाथ में, मैं हाथ में लेकर आती हूँ ऑलरेडी। मैं जितू भी हमेशा कोई चीज बनाई तो हाथ में लेकर खाना शुरू होती है। इतना वेट करेगी ताली सजाओ अपनी। कैसे हैं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। अब हम अपने प्रसाद एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपको कल। ये ब्लॉग नहीं, मिलते हैं आपको कल अगले ब्लॉग में। तब तक ले बाय।